दिनांक 12 सितंबर 2006 को देवलाली में 16 कारण भावना, प्रवचन क्रमांक 24 सुनिए, भावना क्रमांक 15, सन्मार्ग प्रभावना भावना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम् सर्व कल्याण कारकम् प्रधानम् सर्व धर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। 16 कारण भावनाओं में 14 भावनाओं की चर्चा अपन कर चुके हैं। आज पेज नंबर 283 रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में 15वीं भावना सन्मार्ग प्रभावना भावना, इसकी चर्चा अपन करना चाहते हैं। उसके पहले कलश नंबर 207 पर आज जो पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान हुआ, समय सार कलश टीका, कलश नंबर 207, प्रवचन नंबर 231, उसमें बहुत धीरे धीरे उनने 10-15 मिनट कुछ बातें कही जिन्हें सभी ने सुनने का और समझने का प्रयास किया। यद्यपि उसमें मैंने देखा था चार्ट में साउंड क्वालिटी लो है, ये भी एक प्रॉब्लम है उसके साथ, तब मुझे विचार आया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं ये तो ख्याल में आ जाता है, पर क्या कह रहे हैं वो ख्याल में नहीं आता है। आया समझ में? क्या कहा, उनका भाव क्या है वो ख्याल में आ जाता है, क्योंकि बार बार रिपीट करते हैं ना। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर जो शब्द बोल रहे हैं वो पकड़ में नहीं आता, तो भी भाव ख्याल में आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए थोड़ा उस विषय का खुलासा करना है। बहुत मार्मिक है विषय, लेकिन स्पष्ट है। ये विषय अपने यहां स्वाध्याय में चल चुका है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के, उसमें इस कलश में ये कहना चाहते हैं कि बौद्ध मत में एक बड़ी महान भूल ये होती है कि वृत्ति अंश के नाश होने से वृत्ति मान के नाश की कल्पना कर लेता है। वृत्ति अंश माने एक एक समय का जो अंश भेद है काल का, काल का तो काल द्रव्य में है अंश भेद, आत्मा में भी जो शुद्ध नय से या द्रव्यार्थिक नय से देखो तो अनादि निधन अखंड एक काल है, और भेद करके देखो तो प्रति समय करके वर्तता है, तो ये उसका कालांश हुआ। आत्मा में भी है, प्रत्येक पदार्थ में, दरेक में, जड़ में, चेतन में, परमाणु में, बाल में, सब में है अनादि अधन, परमाणु की अनादि अनंत अखंड अवस्था है, वो वृत्तिमान है, और वो अवस्था प्रति समय 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 करके वर्तता है, वो पदार्थ, वो उसका वृत्ति अंश है। तो वृत्ति अंश के नाश होने से, क्योंकि तो वस्तु का स्वभाव है, एक पर्याय जाएगी और दूसरी पर्याय आएगी, तो उसने ये मान लिया कि वृत्तिमान माने मूल सत्ता का, मूल पदार्थ का नाश हो गया। ये चर्चा तो लास्ट में आई। हाँ, अभी सेंटर में क्या चर्चा आई कि ऐसा मानने से उसकी क्या भूल हो गई कि कोई करता है और कोई दूसरा भोगता है। समझ में आया?
इस प्रसंग में गुरुदेव ने जो उस टीका में लिखी है ये बातें कि स्यादवाद दृष्टि से देखा जाए तो एक अपेक्षा से ऐसा है कि जो करता है वो ही भोगता है, और दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो पर्याय बदल जाती है ना, इसलिए कोई करता है और कोई और भोगता है। तो गुरुदेव कहें एक आचार्य कभी आचार्य ऐसा कहते हैं कभी आचार्य ऐसा कहते हैं, तो सत्य क्या है कि तो दोनों सत्य हैं। अभी उनने उसकी अपेक्षा भी खोली कि जो करता है वो ही भोगता है, इसमें भाव की अपेक्षा है। समझ में आया? फिर से सुनना है क्या कहा अमृत भाई। भाव की अपेक्षा माने कि अभी मैंने क्रोध किया तो क्रोध भाव में जो आकुलता है वो भी उसी समय भोग ली। तो जो पर्याय करता है वही पर्याय उसका फल भी तुरंत मिल जाता है, तुरंत भोग लेती। भक्ति का परिणाम करे तो भक्ति का परिणाम में जो किया जीव ने तो जीव उसका करता हुआ अथवा वो पर्याय करता हुई, वो वही पर्याय में भक्ति के परिणाम से जो कषाय की मंदता में जो मंद आकुलता हुई के आनंद आया उसको भोग लिया। समझ में आया? तो भाव की अपेक्षा जो करता है वो ही भोगता है। इसलिए एक तो विवक्षा ये कि कर्ता और भोगता जुदा जुदा नहीं है, लेकिन बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि कोई करता है और कोई और भोगता है, और अपन भी एक अपेक्षा से यानी पर्याय दृष्टि से ऐसा मानते हैं। तो अपने मानने में और बौद्ध मत में अंतर क्या है? तो पहले तो अपनी मान्यता उन्होंने स्पष्ट की कि कर्म की अपेक्षा देखा जाए। समझ में आया? तो कोई पर्याय करती है और कोई पर्याय भोगती। जैसे अभी जीव ने सत्य वसन का परिणाम किया, तीव्र पाप का परिणाम किया, तो निश्चय से तो वो परिणाम की आकुलता उसने तुरंत भोग ली। अब वो बात तो हो गई अभी पूरी। लेकिन वो परिणाम के निमित्त से नरक आयु का बंध हुआ और फिर नरक में गया तो नरक गति के लक्ष्य से वहां के संयोगों के लक्ष्य से जो उसको आकुलता हुई वो दूसरी पर्याय ने भोगी। करने वाली पर्याय कोई और है और भोगने वाली पर्याय कोई और है, ऐसी दो जुदी जुदी पर्याय हैं पर्याय दृष्टि से देखो। तो भी जैन दर्शन ये कहता है कि दोनों पर्यायों में जीव तो वही का वही है, पर्याय की तरफ से फर्क है कि किसी पर्याय ने किया और किसी पर्याय ने भोगा, ये अंतर पर्याय की तरफ से और कर्म के निमित्त की अपेक्षा है। ख्याल में आया? जीव की तरफ से देखो तो हम पाप करें और आप नरक जाओ ऐसा थोड़ी है, हम पाप करेंगे और हम ही नरक जाएंगे और हम ही भोगेंगे, तो जीव तो एक ही रहा। यहाँ बौद्ध मतानी आई फिसल गया, यहाँ उसने सोचा पर्याय बदल गई माने द्रव्य ही बदल गया, वस्तु बदल गई। समझ में आया? इसलिए कोई पर्याय करती है और कोई और पर्याय भोगती है, ये बात पर्याय की अपेक्षा सत्य है। परंतु जैसा अन्य मत में बौद्ध मत में कल्पना है कि कोई द्रव्य करता है और द्रव्य बदल जाता है तो दूसरा भोगता है, वो महाविपरीतता है। अब ये तो जो उसमें चल रहा है प्रकरण वो बात हुई। अब असली जो इसके अंदर छुपी हुई बात जो गुरुदेव ने 10-15 मिनट चलाई वो उन्होंने परलक्ष्य करने वाली पर्याय और स्वलक्ष्य करने वाली पर्याय वो भी जुदी जुदी है ये सिद्ध किया। समझ में आया? करने वाली और भोगने वाली बात तो स्थूल है, वो तो समझ में आती। अपन शुभ भाव करें तो अपनी एक पर्याय ने शुभ भाव किया और जब जीव स्वर्ग में गया तो दूसरी पर्याय ने वो देव गति के सुख भोगे। समझ में आया? तो वो तो पर्याय का भेद तो समझ में आ जाता है, पर गुरुदेव ने सूक्ष्म पर्याय में जो पर्याय बहिर्मुख है वही की वही अंतर्मुख नहीं होती है ये समझाया। ऋजु सूत्र ने से देखो तो एक एक समय की पर्याय जुदी जुदी नई नई उत्पन्न होती है। कल आने वाला है थोड़ा ऋजु सूत्र ने का वर्णन, कल के कलश में आएगा। उसमें मेरा ये मैं समझ लो खास इस पे मैं भार दे रहा हूँ, आप समय सार ग्रंथ में 208 कलश का श्लोकार्थ और भावार्थ पढ़ना और इसमें टीका में जो श्लोकार जो किया है टीका वो पढ़ना, दोनों पहले पढ़ के आना फिर कल का व्याख्यान सुनना।
ख्याल में आया? दोनों के अर्थ में थोड़ा फर्क है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फर्क है, ये आप में से कौन मुझे बताता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मूल समय सार में जो श्लोक अर्थ है उसका और भाव अर्थ वो, और ये राजमल जी का कलश टीका का, दोनों में फेर है। फिर अपन गुरुदेव का व्याख्यान सुनेंगे, कल की लोक साउंड क्वालिटी कैसी रहती है। इसने तो मुझे वो भाई समय सार सिद्धि निकाली ना, वो कैसेट सुनने के लिए बड़े काम की। वहां कलकत्ते में वो ही चलता था, 19वीं वक्त का समय सार और समय सार सिद्धि सार सामने, तो एक एक शब्द, हंसे तो उसमें हाथ से ऐसा लिखा हो, खांसे तो उसमें खांसनी ऐसा लिखा हो। मैं पहले सोचता था ऐसी निकालने से फायदा क्या है, कौन पढ़ेगा इसको, लेकिन जिसको कैसेट की आवाज समझ में नहीं आती, समझ में आया, कहीं अपने यहाँ माइक डिस्टर्ब है तो कहीं ओरिजिनल में ही डिस्टर्ब है, तो उसके लिए वो बड़े काम का है। तो मेरे को उसकी महिमा आने लगी थोड़ी। तो गुरुदेव ने ये कहा कि जो पर्याय पर का लक्ष्य करती है तो वो तो एक समय में नष्ट हो जाती है, तो स्वभाव का लक्ष्य, वही पर्याय ने अंतर्मुख होकर स्वभाव का लक्ष्य किया, ऐसा कहां से आया? रिजु सूत्र ने से देखो, सूक्ष्म रिजु सूत्र ने माने एक एक समय की पर्याय का देखो, तो तत्व निर्णय करने वाली पर्याय कोई और है, यहां से चलो देशना सुनने वाली पर्याय कोई और है। ओ, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, अब मुझे मेरा हित करना है, ऐसा है। तो देशना लब्धि किसी पर्याय ने सुनी, विशुद्धि किसी और पर्याय में हुई, फिर तत्व निर्णय से मोह मंद हुआ, दर्शन मोह अंतर कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति रह गई, घटके प्रायुग लब्धि में आया, वो कोई और पर्याय है। फिर और अति सूक्ष्मता से अंतर में गहराई से घुसा, स्वरूप में पकड़ने का उसका पुरुषार्थ किया, करण लब्धि में आया, वो कोई और पर्याय है, और सम्यक दर्शन किसी और पर्याय में। इसको गुरुदेव ने बार बार समझाया 10-15 मिनट इसको, कि वो पर्याय जो बहिर्लक्षी है या विकल्प कर रही है या तत्व विचार कर रही है मन के निमित्त से, तो वो तो नष्ट हो जाती है, तो वही की वही पर्याय अंतर्मुख होती है, ऐसा नहीं है। जबकि टोडरमल जी ने रसपूर्ण चिट्ठी में ऐसा लिया है, है? कि यही श्रुत ज्ञान आगे जाकर के केवल ज्ञान में परिणमित हो जाता है। बोलो, दो दो ज्ञानियों के विचार, तो यही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में परिणमित, उदाहरण दिया जैसे नदी बहते 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 फिर समुद्र में मिलके समुद्र बन गई, इसी तरह से ये जो श्रुत ज्ञान की धारा है स्वरूप का विचार करने वाली, स्वरूप को अनुभव करने वाली, स्वानुभव निर्विकल्प वाली, वो धारा बहते 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 केवल ज्ञान में परिणमित हो जाती। तो वो क्यों कहा, उस सम्यक ज्ञान की जाति एक है, समझ में आया, श्रुत ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, इसलिए दोनों की जाति एक है, इसलिए कहते यही श्रुत ज्ञान आगे चल के केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, वो स्थूल कथन है, आप उसको स्थूल ऋजु सूत्र नय का कथन कह सकते हैं, स्थूल पर्याय आर्थिक नय, लेकिन सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से देखो तो प्रति समय पर्याय नष्ट होती है और दूसरी उत्पन्न होती है, तो जो पर्याय तत्व का विचार कर रही है बहिर्मुख है वो तो विलीन हो जाती, लेकिन द्रव्य का आश्रय करती हुई दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। इस पे भजन था, 5-10 बार बोला इस बात, द्रव्य का आश्रय करती हुई दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। बस इतना मैंने बताना, क्योंकि वहां विषय वही था ना, कि ऐसा पर्याय तो गति रहती है, हाँ, तो भाव था, हाँ, तो हाँ ज्यादा होता है, वो उसकी योग्यता से स्वतंत्र उसमें हुआ, हाँ वो उसकी, अरे मतलब जैसे छायक सम्यक हो गया या केवल ज्ञान हो गया तो भी प्रति समय केवल ज्ञान की पर्याय विलीन होती है और दूसरे समय केवल ज्ञान नया उत्पन्न होता है, समझ, हाँ वो अपना अपना गेय लेकर के,
वो की वो नहीं होती, वैसी की वैसी, छायक भाव में वैसी की वैसी, और उपसम छय उपसम भाव में नई नई, उदय भाव में अभी नई नई। जैसे क्रोध समझ लो अपन ने किसी से बात करना चालू किया, फिर बात बिगड़ गई, सामने वाले ने ऊंची आवाज में बोला तो अपने को गुस्सा आना चालू हो गया, तो फिर एक कम से कम 10-20-25-50 सेकंड लगते हैं उसमें, समझ में आया। पहले बन देखो आप बात ठीक से करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो वो प्रति समय एक क्रोध की पर्याय नष्ट हो रही है, और उससे ज्यादा उग्र स्थिति वाला अनुभाग वाला क्रोध जो है नया पैदा हो रहा है, और बात यहाँ तक बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ गई कि हाथा पाई पे नौबत आ गई, वो क्रोध पर्याय स्वतंत्र अपने में हुई। ऐसा एक एक पर्याय की स्वतंत्रता की बात है। इसका मतलब ये है कि एक एक पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से अपने स्वकाल में होती, तत्व निर्णय से सम्यक दर्शन होता है। ये कारण कार्यपना दो पर्यायों में जोड़ना ये उपचरित कथन, शुभ भाव से होता है वो तो बात ही कहां रही। क्या कहा? भगवान की भक्ति से के पूजा से के स्वाध्याय से, ये तो स्थूल बहुत स्थूल बात हुई, लेकिन अंदर में तत्व का भाव भाषण होवे और उससे सम्यक दर्शन होता है, ये भी कथन स्थूल है, उपचरित है, क्योंकि वो भाव भाषण वाली पर्याय चली जाती है और सम्यक दर्शन स्वरूप का अवलंबन करती हुई, स्वरूप की प्रतीति करती हुई, मैं ज्ञायक हूं ऐसा प्रतीति करती हुई नई पर्याय उत्पन्न होती। बस एक एक पर्याय की स्वतंत्रता, ये गुरुदेव के अंदर में बात थी, ये वो बताना चाहते। हाँ बराबर। जगह जगह नाना है ना, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझ मु ते। दृष्टि के जोर में सर्वथा भिन्न कहे, परिणाम परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया। दृष्टि के जोर में सर्वथा भिन्न कहे, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं कहां किसी का ध्यान करने वाला, मैं तो वो चीज हूं जिसका ध्यान पर्याय करती है, समझ में आया। कृष्ण का ध्यान गोपियां करती हैं, कृष्ण थोड़ी गोपियों का ध्यान करती। ऐसे मैं तो वो चीज हूं जिसका ध्यान पर्याय करती हैं, मैं तो ध्येय तत्व हूं। इसमें अपेक्षा लगा के अगर आप सर्वथा बोलो तो वो सम्यक एकांत होता है। क्या कहा? अपेक्षा से, यानी वो किस दृष्टि से, किस नये से वो कथन है, वो ख्याल में रख के, श्रोताओं को तो ख्याल में रखना चाहिए, वक्ताओं को वाणी में बोलना भी चाहिए, नहीं तो वक्ताओं के बारे में गलत फहमी बहुत हो जाएगी। एकांत है ये, द्रव्य और पर्याय को एकांत भिन्न भिन्न मानते हैं। मान लो मेरी ऐसी इमेज बन जाए यहाँ के श्रोताओं में, ट्रस्टियों में, तो फिर मैं कुछ भी कहूँ तो वो बात उनको असर होगी नहीं। इसलिए वक्ता को अपेक्षा अपनी वाणी में भी स्पष्ट करना चाहिए। ख्याल में आया ना, कई अपेक्षाएं, द्रव्य अनादि निधन अखंड निष्क्रिय सकल निरावरण शुद्ध पारनामिक लक्षण परम पारनामिक भाव अखंड एक ज्ञायक स्वरूप, वो तो अलग थलग जुदा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पर्याय आती हैं और जाती हैं। तो द्रव्य और पर्याय अगर एक मेक हो जावे तो पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का भी नाश का प्रसंग आएगा। उसी को तो यह कलश आया कि बौद्ध मत ने यही तो गलती की कि वृत्ति अंश का नाश हुआ तो उसने वृत्ति मान का नाश मान लिया, तो कथनचित भिन्न हो गया ना। तो कथनचित माने प्रमाण की भाषा में बोलो तो कथनचित भिन्न, और शुद्धने की भाषा में बोलो तो सर्वथा भिन्न। ख्याल में आया? नए लगा के सर्वथा लगाए तो मिथ्या एकांत नहीं होता, सम्यक एकांत होता है। और नए प्रयोग नहीं करे ज्ञान में अथवा वाणी में, ज्ञान में तो होने ही चाहिए, तो मिथ्या एकांत हो जाते हैं। ऐसे जुदा जुदा है भाई, वो अपेक्षा और निरपेक्षता जुदी जुदी बात है। अपेक्षा द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा है, कोई पराधीनता है ऐसा नहीं। कथन में अपेक्षा आती है, मतलब वो जो धर्म को मुख करना चाहिए वो धर्म को मुख करना, उसी का नाम अपेक्षा है। वो अपेक्षा ज्ञान में है, वो सम्यक ज्ञान का अंश है, वो वस्तु का स्वभाव है।
और निरपेक्षता का अर्थ यह है कि पर्याय चाहे कोई भी हो, द्रव्य तो जैसा है वैसा है, इसका नाम निरपेक्षता है। ख्याल में आया? अपेक्षा माने कोई पराधीनता नहीं, अपेक्षा माने विवक्षित धर्म को मुख करना, उसको अपेक्षा कहते हैं। जो मैंने एक बार छिंदवाड़ा में यहां भी कई दफे 3-4 अर्थ बताए अपेक्षा के, जब नयों का वर्णन आया था। ऐसा है यहां तो प्रयोजन यह समझना, एक एक पर्याय स्वतंत्र अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से होती है। करण लब्धि वाली पर्याय जुदी है वो नष्ट हो जाती है, और सम्यक दर्शन स्वरूप में लीन होती हुई पर्याय उत्पन्न होती, पहले उत्पन्न हुई और फिर लीनता हुई, ऐसा नहीं, दो समय नहीं, पहले उत्पन्न होगी फिर स्वभाव का आश्रय करेगी तो उसमें सम्यक दर्शन आएगा, ऐसा नहीं, ऐसी भी चलती है। एक बात वो पदमचंद जी ने एक बार ऐसा कहना चालू किया था आगरा वालों ने, पर्याय पहले उत्पन्न होती है बाद में उसमें विकार या निर्विकार या पर का लक्ष्य, अरे उसको उत्पन्न तो होने दो पहले, ऐसे बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे कि इंजीनियर, तो पहले बच्चे को होने तो दो फिर डॉक्टर और इंजीनियर बाद में बनेगा, अरे इतना समय भेद नहीं है पर्याय में, ये तो बहुत स्थूल कथन है। हाँ, स्वभाव का लक्ष्य करती हुई, स्वभाव की प्रतीति करती हुई वो पर्याय में उसका उपसम भाव साथ में होता है। पर्याय तो कालांश का नाम है और सम्यक दर्शन वो भाव है। क्या कहा? पर्याय तो काल वृत्ति अंश, वो टाइम फैक्टर है द्रव्य का, लेकिन उसमें उपसम भाव है, ये उसका स्वभाव का अवलंबन करता हुआ परिणाम है, वो उस काल में ही उत्पन्न होता है, वो एक काल में उत्पन्न होता है। अजब गजब की बात। ये तो बराबर है, यहाँ प्रकरण दूसरा है, यहाँ तो सर्व अवस्था होवा छता न्यारो जनाए छे, इतले नौ तत्व गतत्वेति यदेकत्वम न मुंचति, ये भाव छे इसमें। पर यहाँ ये कहना है कि पहले पर्याय हुई और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है, वो पर्याय सम्यक दर्शन को लेकर के उत्पन्न होती, और सम्यक जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है तो मनुष्यायु कर्म का उदय, समझ में आया ना, पूरा शरीर सांगो पांग जो उसकी छह पर्याप्ति वो सब लेके बालक उत्पन्न होता है, पहले बच्चा हो जाए फिर पर्याप्तियां होना चाला होंगी, ये गर्भ अवस्था में होता है, जन्म में ऐसा नहीं होता, जन्म में तो छह पर्याप्ति लेके जन्मता है। ऐसे सम्यक दर्शन सहित वो पर्याय जन्मी है, और सम्यक दर्शन का मतलब है मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रतीति, तो वो ज्ञायक का लक्ष्य करती हुई जन्म लिया है उसने, पहले उत्पन्न हो गए फिर अंतर्मुख ज्ञायक का लक्ष्य करे, ऐसा समय भेद नहीं है, ये बताना था। अब ये जो 10-15 मिनट चला है ना धीरे धीरे, वो ये बात थी है? चलो अभी ये मार्ग प्रभावना है करे खर तो ये मार्ग प्रभावना है। हाँ बराबर बराबर, तो ध्यान में आ गया था मुझे। असंख्य प्रदेश में ऊपर ऊपर का मतलब ऐसा है, मान लो 10 करोड़ प्रदेश है यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर के 1-2 करोड़ में पर्याय है और नीचे के प्रदेश में पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है पूरे असंख्य प्रदेश में पर्याय है, और वो असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश के ऊपर में है, और अंदर ज्ञायक ध्रुव पड़ा हुआ है, वहां द्रव्य का प्रदेश और पर्याय का प्रदेश जुदा जुदा कर लिया। एक प्रदेश में भिन्नता है, प्रदेश में भिन्नता की कल्पना है, कोई प्रदेशों की संख्या लगा के आधे में पर्याय होती है और आधे में नहीं होती है, ऐसा नहीं है गजब बात बताए मर्म, अरे ये कौन तुम्हारे बिन वेदे ही नाथ। अच्छा तो क्या बोला खरेखर जो है ना, जहाँ पर्याय है वहाँ आवरण है, द्रव्य तो सकल निरावरण है, समझ में आया ना, द्रव्य का लक्षण तो सकल निरावरण है। सकल निरावरण मतलब कोई 8 कर्म में एक परमाणु भी द्रव्य स्वभाव के भीतर जाता नहीं है,
इसलिए वो सकल निरावरण होने से वो प्रदेश तो निरावरण ही है, लेकिन ये बड़ी मेहनत की और सूक्ष्म बात है कि एक प्रदेश में पर्याय का हिस्सा है और वही प्रदेश में द्रव्य का हिस्सा है। इसमें ऐसा है जैसे एक कमरे में दो विद्यार्थी रहते, समझ में आया? तो दो कमरा मान लीजिए अपन ने उसको 15x12 का बनाया, 180 स्क्वायर फुट का कमरा बनाया, उसमें दो विद्यार्थियों को रखा, तो अभी 90-90 स्क्वायर फुट एक एक के हिस्से में है ऐसा नहीं है, समझ में आया? पूरा 180 स्क्वायर फुट यूज करने के लिए उसका है और पूरा 180 स्क्वायर फुट यूज करने के लिए उसका है, तो कमरा तो अखंड है लेकिन यूज करने वाले दो हो गए ना, इसलिए वो दोनों का एक कमरा है, तो एक कमरे में दो पार्टनर है, समझ में आया? लेकिन कमरा दोनों का पूरा पूरा है, गजब बात, कमरे दो नहीं है, कमरा एक है और रहने वाले दो हैं, लेकिन दोनों एक कमरे का पूरा पूरा उपयोग करते हैं, कोई ऐसा बाउंड्री नहीं बनाई है कि इसके बाहर तुम नहीं जाना, इसके बाहर तुम नहीं जाना, ऐसे एक प्रदेश है वो ही प्रदेश में पर्याय, पूरा पूरा प्रदेश में पर्याय का प्रणमन होता है और वही प्रदेश में ज्ञायक ध्रुव पड़ा हुआ है, और पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट हो जाती है, इसलिए ऊपर नीचे की जो भाषा है वो तो व्यवहार से बोली जाती है, क्योंकि एक अखंड प्रदेश में ऊपर नीचे कहाँ होता है, वो तो एक ही प्रदेश है, समझ में आया? जैसे एक पॉइंट है ना बिंदु, उसमें ऊपर नहीं होता, नीचे नहीं होता, आगे नहीं होता, पीछे नहीं होता, पॉइंट तो पॉइंट है, ऐसे एक प्रदेश में, लेकिन वही प्रदेश में उत्पाद व्यय है और वही प्रदेश में ध्रुव है, इसलिए अंश भेद प्रदेश में कल्पना की जाए, कहाँ कहाँ छुपा हुआ रहस्य है सब। 14 अच्छा अच्छा ऊपरी तरंग थी, हाँ 11वां कलश है, हाँ वो तो राग और ज्ञान में लगाया, तेल जैसे पानी में ऊपर ऊपर तैरता है और वैसे राग ऊपर ऊपर तैरता है, परलंबता है द्रव्य पूरा। रमणीक भाई गजब की बात। अभी चलो मार्ग प्रभावना, पहले तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने कहा जो भी सुनेगा उसने क्या अपराध किया है उसको भी तो ये मिलना चाहिए, आज प्रभावना के बीच में ये चर्चा भी आ गई थी, ऐसा तो नहीं इसको कंटिन्यू रखो, ऐसा 283 पेज रत्नगण श्राव का 4, वहां भाई पता नहीं कौन से गांव में गए थे, कोलंबिया था शायद, सॉलेट से गए थे, तो एक इस तरफ के मेरठ के सहारनपुर के इधर के कुछ भाई है, अभी कुछ वर्षों से ऐसी रुचि लगी तो दो दो घंटा कैसेट सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये करते है, दो तीन फैमिली उधर, ज्यादा फैमिली है नहीं, तो मैं उसको अपना सीडी का सेट देके आया और आए और दूसरे दिन उसका फोन आ गया कि साहब 16 कारण भावना की 3 प्रवचन हमने सुन लिए, इतनी स्पीड से तो मैं नहीं बना सकता हूं। जितनी स्पीड से तुमने सुना, बड़ी रुचि, बहुत अच्छे प्रश्न कर, उसके घर में शास्त्र सब, रत्नगण साहब का 4 समय सार वगैरह सब शास्त्र, वहां तो शास्त्र मिलना भी दुर्लभ हो, आते आते शास्त्र लेके जाते यहां से, अच्छी लगन वाले जीव है। देखो अब सन्मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं भावना का वर्णन करते हैं, यहां सन्मार्ग जो मोक्ष का सत्यार्थ मार्ग, उसका प्रभाव प्रकट करना वो सन्मार्ग प्रभावना है, खरेखर तो अनंत दुख नष्ट हो जावे और अतिंद्रिय आनंद की फुहारें उछलने लगे, ये मोक्ष मार्ग का प्रभाव है, समझ में आया? मोक्ष मार्ग काय के लिए प्रकट किया जाता है, इसके लिए किया जाता है, बाहर में तो जो प्रभावना होती है वो बाहर की बात, ये सन्मार्ग रत्नत्रय है, सन्मार्ग प्रभावना माने रत्नत्रय की प्रभावना, रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है, उसे मिथ्यात्व राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ ने अनादि से मलिन विपरीत कर रखा है। देखो ये सब, देखो भाषा की टोन और स्टाइल पहचानना चाहिए, उसके बिना आप अकेली भाषा पर ही ध्यान दोगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। इनका रत्नत्रय को मलिन किया है अनादिकाल से, मतलब रत्नत्रय तो है हमारे पास में लेकिन थोड़ा मेला हो गया है। खरेखर तो रत्नत्रय है ही नहीं, समझ में आया? सम्यक दर्शन है कहाँ जो मलिन होवे,
सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, है तो मिथ्या दर्शन। लेकिन श्रद्धा एक अपेक्षा तो यह कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये तीन गुण हैं, ये तीन गुणों में मलिन पर्याय होती है, इसलिए रत्नत्रय को मलिन कह दिए। वैसे गुण का नाम रत्नत्रय नहीं, रत्नत्रय तो पर्याय के लिए बोला जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो पर्याय में मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है, तो उसके बदले सम्यक दर्शन के बदले मिथ्या दर्शन है, यही श्रद्धा गुण में या सम्यक दर्शन में विपरीतता है, मलिनता है। अब परमागम की शरण लेकर मुझे मिथ्यात्वादी दोषों को दूर करके रत्नत्रय स्वभाव को उज्जवल करना, यह स्वभाव में लगा दिया। ज्ञान दर्शन चारित्र अथवा श्रद्धा ज्ञान चारित्र मेरा स्वभाव है, और परमागम की शरण लेकर, ये तो व्यवहार प्रधान ग्रंथ है ना, मुख्य क्रिया प्रधान है, समय सार होता है तो स्वभाव की शरण लेकर के रत्न श्राव का चार है, तो परमागम की शरण लेकर केवली परमात्मा की वाणी ओंकार मई वाणी, जिसमें स्यादवाद पद्धति से वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप बताया है, ऐसी जिनवाणी की शरण से मुझे मिथ्यात्वादी दोष को दूर करके रत्नत्रय स्वभाव को उज्ज्वल करना। इसमें भी देखो, जैसे दूध में कण कण में घी व्याप्त रहता है, ऐसे ये व्यवहार के ग्रंथों में भी अध्यात्म छुपा हुआ रहता है। मिथ्या दोष दूर करना ये क्या है, ये तो अध्यात्म है। ये मनुष्य जन इंद्रियों की पूर्णता, ज्ञान शक्ति, परमागम की शरण, साधर्मियों का समागम, रोग रहित अवस्था, देखो सब एक एक दुर्लभ दुर्लभ बताते, क्लेश रहित जीव का, अरे वाह, ये आजकल बड़ी मुश्किल है, क्लेश रहित जीव का है समझ में आया, कितना तो अमेरिका से यहाँ आ जावे कि भाई यहाँ अपना धर्म का साधन अच्छा होगा, फिर यहीं ऐसी जगह नौकरी और ऐसी जगह रहना कि घंटा डेढ़ घंटा तो जाने आने में ही लगे, सवेरे 5 बजे यहाँ से, कितने लोग यहाँ से बम्बई जाते सुबह की जो गाड़ी है उसमें सर्विस करने वाले जाने, 5 बजे से उठे, नहाए धोए, तैयार हो, टिफिन बनाए, फिर जावे, फिर रात को 10 बजे वापस आवे, न बच्चों के साथ मिलना, न बोलना, न उनकी पढ़ाई कैसी है, कि क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते, ऐसे आजीव का, निश्चिंत आजीव का जिसमें अपना धर्म साधन भी चले, ये महादुर्लभ। इसलिए श्रीमद जी की तो ऐसी प्रेरणा है कि आजीव का पूर्तु होवे तो जीव को निवृत्ति ले लेना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए ज्यादा, क्या करेगा, कितना कमा के ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। जिस मैंने जगह जगह सुनाया आपकी बात, रविंद्र जी का है ना, कि जो है सो भोग सकते नहीं है और साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है बोलो है, गजब बात है भाई। क्लेश रहित आजीव का, मां पुण्य का उदय होवे साथ ही से पुण्य का पंचम काल में, तो ऐसी आजीव का मिले कि 10 बजे जाना हो। ये छिंदवाड़ा वालों को मैं कहता था, तुम लोग बड़े भाग्यशाली, वहां 11 बजे ही मार्केट खुले, समझ में, मार्केट ही 11 बजे खुले, तो नौकरी वाले को तो नौकरी के हिसाब से जाना पड़ेगा, सब व्यापारी मुमुक्षु, तो ठीक है अपने पूरे बराबर सुबह से मंदिर आवे, पूजा करे, प्रवचन सुने, फिर एक आध बार और गोष्ठी में बैठे, फिर भोजन करे, फिर दुकान पे जाए, है इससे ज्यादा पुण्य और क्या हो सकता है। अपना सुबह का धर्म साधन का काल सुरक्षित, और कुछ दिनों में वो कभी कभी क्या होता है, शॉप एक्ट है, एक शॉप एक्ट मतलब दुकानदारी का कानून है, तो उसमें क्या है कि आपको 8 बजे दुकान बंद करना है। हाँ, तो प्राय नहीं करते हैं लोग बाग, 9-9, 10-10 बजे तक खोलते हैं, ये शॉप एक्ट वालों को कभी कभी धुन चढ़ जाती तो वो चालान करने आ जाते हैं, टिकट बनाने आ जाते हैं, समझ में आया तो मैं कहता हूँ पुण्य का उदय आया है तुम्हारे, कि अभी दुकान 8 बजे बंद करना है ना, तो 8:30 बजे स्वाध्याय में तो आ सकते हो, रुचि हो तब तो उसको पुण्य का उदय माने, अरुचि हो तो पाप का उदय माने। ऐसे कल मैंने रमेश भाई को फोन किया, देवलाली आओ, अरे साहब बड़े पाप का उदय चल रहा है, क्यों, कि सीजन बहुत जोरों से चल रहा है। अरे यार ये पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है, पंडित जी इसमें धर्म साधन नहीं होता है इसलिए तो पाप का ही उदय, सीजन जोरों से चलने को भी जो पाप का उदय माने, कैसा तत्व ज्ञान होगा उसका, समझ में आया। दुनिया तो कहती वाह हमने पिछले साल ये 10 दिन खूब धर्म किया, अभी धर्म का फल मिल गया, अभी सीजन जोरों से चलने लगा, ये धर्म का फल मिल गया,
अरे धर्म का फल तो अंदर में निराकुल चैतन्य का अतिंद्रिय आनंद की वृद्धि होना, इसका नाम धर्म का फल है। हाँ? ऐसे कितने लोगों को अभी मैं देखता हूँ, बराबर दृष्टि यथार्थ, पकड़ बराबर, लगन बराबर, उदय भाव जो होता है सो उसका नाटक उसमें होता है, अपन तो अपने को उससे न्यारा देखना, ऐसी बात। एक प्रदेश में जब द्रव्य और पर्याय न्यारे न्यारे रह सकते हैं समझ में आया, ये तो बात ही निराली है सो। गजब, ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या क्लेश रहित आजीव का इत्यादि पुण्य रूप सामग्री प्राप्त करके भी यदि आत्मा को मिथ्यात्व कसाय विषयों से नहीं छुड़ाया तो अनंतानंत दुखों से भरे संसार समुद्र से मेरा निकलना अनंत काल में भी नहीं होगा। जो भी कसाय की मंदता करेगा, पुण्य बांधेगा तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग से वापस फिर त्रिंच त्रिंच में एक इंद्री दो इंद्री में घूमता रहेगा। यानी अधूरे धर्म साधना का कोई मतलब नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं होवे और मात्र मंद कसाय में जीवन बिताए उसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, इतना गहरा लगन रुचि ऐसी गहरी होवे, एक भाव में नहीं होवे तो संस्कार लेके जावे तो अगले भाव में उत्पन्न करे। ये गारंटी, बाहर से निकलने की गारंटी तो सम्यक दर्शन के होने पर ही होती है। उसके पहले तो कितना पुण्य करे ले, नौ में गिरे वक्त चला जाए तो भी रहे संसार का संसार में, ऐसी बात है। जो सामग्री आज मिली है, गजब बात, देखो क्या कहा, जो सामग्री आज मिली है वो अनंत काल में भी मिलना अति दुर्लभ है, गजब बात है। ये निरोग शरीर है मनुष्य, ये मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, ये जिनवाणी का समागम, फिर ऐसा उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव, उत्तम द्रव्य मन साधर्मियों का समागम, ये सब निमित्त में द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब आत्महित के अनुकूल है। फिर अभी नहीं करेगा प्रमाद में समय जाए, विचार नहीं करेगी, रूटीन में स्वाध्याय तो कर लेवे सुन लेवे, वो सब रूटीन में हो गया। असल में दिक्कत ये है, जीवन भूख जैसे अपना खाना रूटीन में हो गया कि 10:30 बजे खाना है, भूख लगे तो खाना है, नहीं लगे तो खाना है, अपनी ये हालत हो गई। कल मैंने ऑफिस में एक अखबार देखा था, उसमें एक हेडिंग था, मैं उसको लाना भूल गया, गुजराती का था, कि जीने के लिए खाते हो कि मरने के लिए खाते हो ऐसा हेडिंग था, है? मरने के लिए खाते नहीं, वो पॉइंट दूसरा, मैं तो अखबार की बात करते हैं। उसमें था कि ये जो सामग्री अपन खाते ना, इसमें पॉइजन आता है, इसमें जहर आता है, समझ में आया, दिमाग में कीड़ा घुस जावे ऐसा, ऐसा। इसलिए उसमें थोड़ा सा दो चार लेन पड़ी, ज्यादा टाइम नहीं मिला। पहले जो दाल चावल को 3-3 बार धोकर के वो बनाने की जो पद्धति थी उससे स्वास्थ्य सही रहता था। अभी नए लोगों को उसमें कंटाला आता है और सब डब्बा बंद माल, ये सब जहर है ऐसा लिखा था। तो ये सामग्री मिली है, ये अनंत काल में भी मिलना अति दुर्लभ है। अंतरंग बहिरंग सकल सामग्री पाकर भी यदि आत्मा का प्रभाव प्रकट नहीं करूंगा तो काल अचानक आकर समस्त संयोग नष्ट कर देगा। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है घास फूस का, और जरा सा एक तूफान हल्का सा आया, उसको सुनामी उनामी की जरूरत नहीं है, जरा सा तूफान आया तो उसका तो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे ये घोंसला है माटी का और ये घोंसला है माटी का, है? आयु कर्म का जरा सा एक डोर टूटने वाला तूफान आया और सब रिश्ते नाते धन संपदा वैभव नाम मान सम्मान सब यहीं पड़ा रह जाने वाला, ऐसा है। तो बात तो इसलिए आई, कौन सी बात चलती थी, वो जीने के लिए खाने की ना। अपना जो धर्म साधन जो है ना, वो बिना भूख के होता है, ऐसा बिना भूख के मतलब गरज नहीं है, ये तो संयोग ऐसा मिल गया, चलो घर में अनुकूलता है, बाल बच्चों ने कह दिया गया आप तो जाओ देवलाली धर्म साधन करो, हमारी चिंता मत करना, जब हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फोन से आपसे बात कर लेंगे, तुमको हमारी याद आ जाए तो आ जाना, लेकिन रहना वही एक कमरा इधर ब्लॉक मत करना। तो रूटीन में हो गया सर, ये रूटीन का धर्म जो है उसमें जीव संतुष्ट हो जाता है।
समझ में आया? रोज अच्छी कड़ाके की भूख लगे और फिर वो वही का वही दाल चावल दो जाने का खावे तो उसमें तृप्ति मिले और वो शरीर को पोषक भी होवे। ऐसे तत्व ज्ञान की, आत्मा को समझने की, आत्मा को पकड़ने की, ये बात इसलिए कहता हूं कि स्वाध्याय के साथ विचार बढ़ाना चाहिए। विचार से वो पचता है स्वाध्याय, समझ में आया? विचार से फिर निर्णय की ओर पहुंचता है, नहीं तो सुना और बात खत्म हो गई, ऐसा हो जाता है। देखो कितना सुंदर है, काल अचानक आकर समस्त संयोग नष्ट कर देगा, इसलिए मुझे राग द्वेष दूर करके जैसे मेरा शुद्ध वितराग स्वरूप अनुभव गोचर हो उस प्रकार ध्यान स्वाध्याय में तत्पर होना है। राग द्वेष दूर करके जैसा वितराग स्वरूप प्रकट होवे, ये तरीके से स्वाध्याय करना है। इस दृष्टि से बाह्य प्रवृत्ति भी मुझे उज्ज्वल करके अंतरंग धर्म का प्रभाव प्रकट करके मार्ग प्रभावना ऐसी करना है जिसे देखकर अनेक जीवों के हृदय में धर्म की महिमा प्रवेश कर जावे। देखो इधर भाई वो पत्थर पे लिखा हुआ है, सच्ची प्रभावना जीवन से होती है जिह्वा से नहीं, ऐसा लिखा है पीछे है रोड पे। सच्ची प्रभावना जीवन से होती है जिह्वा से नहीं। फिर भी पहले आचार्य कोई बड़े वाग्मी रहते थे, वक्ता अच्छे होते थे, बहुत शास्त्रों के न्याय व्याकरण इत्यादि की ज्ञाता होते थे, उनकी वक्तव्य शैली से लोग प्रभावित हो जाते, उसका भी योगदान है, मगर असली प्रभावना तो जीवन से होती, खुद का जीवन देखें तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो बाह्य प्रवृत्ति अपने कल्याण के लिए करना है, कोई दूसरे को इंप्रेशन डालने के लिए नहीं करने का है। जिनेन्द्र के अभिषेक का उत्सव ऐसा करना जिसे देखकर हजारों लोगों के भाव जिनेन्द्र के जन्म कल्याण के समय जिस प्रकार इंद्रादि देवों ने अभिषेक करके अपना जन्म सफल किया, उसी प्रकार जय जयकार शब्दों द्वारा हमारे स्तवन के उच्चारण से लोग अपने को कृतार्थ मानकर तन मन से प्रफुल्लित हो जाएं। ये उदाहरण समझना है, ये कोई अभिषेक करने को कोई जन्म कल्याण की कल्पना वाली बात नहीं है। जन्म कल्याण का अभिषेक जुदा होता है, वो तो बाल तीर्थंकर का होता है, लेकिन प्रतिमा जी की निर्मलता के लिए भी है ना, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब, क्योंकि इसी में निरखता मैं निज का प्रतिबिंब, तो जिसमें मेरी झलक मुझे दिखाई पड़ती है वो प्रतिमा को छूने का भाव भी आता है। पापा चरण तजी नवन करता चित्त में से धरूं साक्षात श्री अरहंत का मानो नवन परसन करूं। ऐसा लगता है कि आज मानो मैं साक्षात अरंत भगवान का स्पर्श कर रहा हूँ ये अभिषेक के बहाने, इसलिए प्रतिमा के अभिषेक का एक बहाना लगाया। प्रतिमा को कोई जन्म कल्याण जैसा अभिषेक नहीं होता है, तो स्वच्छता का एक उपक्रम है, लेकिन प्रतिमा जी के साथ जो भी व्यवहार होता है वो अत्यंत भक्ति पूर्वक, बहुमान पूर्वक, विनय पूर्वक, प्रभावना होवे ऐसा होता है। समझ में आया? पापा चरण तजि नवन करता चित्त में से धरूं साक्षात श्री अरहंत का मानो 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 उपेक्षा अलंकार। ऐसा लगता है कि माने साक्षात अरंत परमात्मा को छुआ होवे। मानो नवन परसन करूं ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नसी शुभ बंधते। एकदम शुभ भाव की बात है, उत्कृष्ट विशुद्धि। वितरागता के पिंड का स्पर्श करे तो परिणाम कैसा होगा है? विधि अशुभ नसी शुभ बंधते वे शर्म सब विधि नाशते। सुख तो संपूर्ण कर्मों का क्षय होने पर होता है, ऐसे भाव बहुत उसमें उत्कृष्ट है। इसलिए इसमें तो कह जिस तरह से जन्म कल्याणक में इंद्र आते हैं, देव आते हैं और ऐसा मानते हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, उसी प्रकार से
ये जिनेंद्र प्रतिमा का ऐसा अभिषेक करें कि जिसमें हजारों जीव आवे और उसका दर्शन करके और उसका उसमें जुड़ करके अपने को सफल माने, ऐसे प्रभावशाली ढंग से ये कार्यक्रम मैं करूं। ऐसा इस प्रकार से अभिषेक द्वारा प्रभावना करना, तो जिनेंद्र भक्ति समय हो गया है। जिनेंद्र भक्ति की और अन्य जो प्रभावना के प्रकरण हैं उनकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया है।